अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, और जहाँ पर भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और खुश रखे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएँ हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आज का व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट किया है, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सबसे पहले चाय। साथ में मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और उसके साथ नान मैं गर्म कर रही हूँ। जिस बच्चे को नान चाहिए होगा वो नान उसके लिए कर दूँगी, और जिसको ब्रेड चाहिए होगी वो ब्रेड ले लेगा। तो यहाँ पे ऑमलेट जो है मैंने जो है इसमें बस प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली, अदरक ही डाला है, और धनिया डाला था बस। तो थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर है इसका, इसके अंदर मैं कुछ और अंडे ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वेजिटेबल वाला ऑमलेट पसंद नहीं है। अभी को ज़्यादा वेजिटेबल वाला ऑमलेट पसंद है, मैंने ज़्यादा ही बना लिया था, ताकि जब बच्चे उठेंगे तो उसमें और अंडे ऐड कर दूंगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, बच्चों का स्कूल ऑफ होने वाले हैं और समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। बस अब थोड़ी सी जो है रूटीन जो होगी वो चेंज हो जाएगी 2 महीने के लिए। सो मैंने उसमें से जो था थोड़ा सा ऑमलेट अभी के लिए बना दिया था, बाकी ऑमलेट के अंदर मैंने अभी और अंडे ऐड कर दिए, क्योंकि बच्चे अब उठ गए हैं, चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे मैं 3 नान गरम करूँगी, और बाकी मैं ब्रेड के पीसेस स्लाइस गरम कर दूँगी, तो जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, और अब जो होगी डेली रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सुबह नाश्ते का टाइम जो कि बहुत थोड़ा अर्ली होता था, अब थोड़ा सा देर से भी हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चे कब सो के उठे, क्योंकि अब छुट्टी हैं तो अपनी मर्ज़ी से ही उठते हैं, और थोड़ा सा सोने का टाइम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं तो इतना कोई फिक्र नहीं होती कि सुबह उठना है। और चलें पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये 2 महीने की छुट्टियों में एंजॉय कर लें, अपनी मर्ज़ी से सो लें उठ लें, तो अच्छी बात है। हाउसवाइफ को भी थोड़ा सा इन समर वेकेशन में सुकून मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट वो भी कर सकती हैं आराम से, उठना चाहे अपनी मर्ज़ी जब दिल चाहे कर सकती हैं। जो भी एक वो जो स्कूल के डेज़ में रूटीन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन जो कि हमारी जो बहनें मेरी जॉब करती हैं उनकी तो बल्कि सेम रूटीन ही रहती है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही मुझे इतना टफ हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है जब बच्चे स्कूल में होते हैं, और जो मदर्स जॉब करती हैं उनको फिक्र नहीं होती, चलें जी थोड़ा सा आधा टाइम जो है वो बच्चे स्कूल में गुजाराएंगे, तो उनको फिक्र नहीं होती कि उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जबकि बच्चे घर में रहेंगे, और जो मेरी बहनें जॉब करती हैं उनको प्रॉब्लम होती होगी कि घर में उनकी टेक केयर कौन करेगा। तो घर के भी जब बच्चे घर में हो तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनके खाने पीने का, जो होता है ना, आई थिंक मुझे लगता है कि उनको हर वक्त फ़ारग होते हैं, उनको खाने पीने का ही होता है कि हम कुछ खा लें, बोर हो रहे हैं। सो इस बात का भी उनको काफ़ी ख्याल रखना पड़ता होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे किसी चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पे उस चीज़ का नुकसान भी है, लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बच्चों को छुट्टियाँ भी होनी होती हैं, फिर उन्हें दोबारा स्कूल भी जाना होता है, ब्रेक हर एक को चाहिए, हर चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चे हो, कोई भी हो। सो खैर यहाँ पे हो गया है, मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, और चाय को जैसे बॉयल आएगा फिर मैं उसको कप वगैरह में डाल दूँगी, और यहाँ पे मैं 5 कप चाय बना रही हूँ। और मैंने हालांकि नाश्ता कर लिया हुआ, लेकिन चाय अब मैं दोबारा, मेरा भी पीने को दिल कर रहा है कि मैं भी चाय अपने लिए भी बना लूँ। दोपहर का टाइम है, और इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ धनिए की और पुदीने की चटनी। और ये मैंने इधर जो है पुदीना मैंने 3 गड्डी मंगवाया था, और इसके साथ मैं 1 गड्डी धनिए का ऐड करूँगी। और मेरी चटनी थोड़ी सी रह गई थी, मैंने तो मंगवा लिया मैंने धनिया पुदीना, और इसके अंदर मैंने 2 गार्लिक के क्लोव डाले हैं, थोड़ी सी मैं इसमें अदरक भी डालूँगी, अनारदाना मैंने 2 लिया था, अनारदाना डाला है इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज तकरीबन सब मल्ले 5-6 डाल दूँगी, क्योंकि मैं रेड चिली फिर कम डालूँगी, तो
नमक अभी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, इसको ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। और यहाँ पर तहीरा बना रही हैं बिस्किट, और ये आलमंड बिस्किट थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। सो ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगी तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छे भी बने थे। तो अब कर लेते हैं लंच की तैयारी, और आज का लंच बहुत मज़ेदार तैयार होने लगा है। मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे तैयार हो रहा है आलू चने, और इसके लिए वेजिटेबल कट कर रहे हैं। ये चने मैंने बॉईल करके तो फ्रीज़ किए हुए थे। आज मैं बना रही हूँ चिकन बारबेक्यू, कर रहे हैं हम लोग। और ये जो बारबेक्यू स्टोव है इसका नाम है मास्टर शेफ़, और इसको मैं तकरीबन बहुत ही लो स्पीड पे, मैं इसको बिल्कुल मीडियम टू लो स्पीड पे मैं बारबेक्यू करती हूँ। अगर हम फुल ज़्यादा स्पीड पे करते हैं तो ऊपर से तो वो कुक हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। आज थोड़ा मैं जल्दी में बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बारबेक्यू करूँगी तो मैं आपके साथ इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बारबेक्यू करती हूँ। और साथ में हम तैयार कर रहे हैं टिक्कियाँ, और ये टिक्कियाँ जो हैं हम लोग ग्रिल पर करेंगे। साथ में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल का पुलाव, और इसके अंदर मैंने जो फ्रोज़न वेजिटेबल होती हैं वो डाली हैं और आलू भी डाले हैं, और बच्चों को बारबेक्यू के साथ चावल बहुत पसंद हैं, सो मैं बना रही हूँ। अब नहीं करना इनको, बस ये अब एक आधे मिनट में उतार लेंगे इसको, उठा के ना ये पीछे करते हैं इसमें भी थोड़ा हो गया। चिकन होने वाला है, टिक्कियाँ जो थी मैंने चावलों को जब दम लगाया उसके बाद ही हम लोगों ने टिक्कियाँ लगानी शुरू की हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी से ही तैयार हो जाती थी और इसीलिए उनको हमने बाद में लगाया। और यहाँ पे आलू चने तैयार हो गए हैं। आलू चनों के अंदर मैंने चने डाले हैं, आलू डाले हैं, दही, चटनी और क्यूकम्बर डाला है, रेडिश डाली है, टमाटर डाले हैं, ग्रीन चिली डाली है, और नमक, मिर्च और चाट मसाला, बस ये चीज़ें डाल के तो मज़ेदार सा आलू चने तैयार कर लिए हमने। इमली की चटनी मेरे पास इस वक्त ख़त्म थी, तो इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो वो भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन इस वक्त फिनिश थी तो हमने काम फिर भी चला लिया। और यहाँ पर टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। सुबह जब उठी थी तो बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि आज बारबेक्यू करेंगे, लेकिन वेदर अच्छा था तो सोचा कि बारबेक्यू कर लेते हैं। धूप तो बहुत थी लेकिन धूप के डलने का इंतज़ार किया हमने, और तकरीबन 7:30 बजे ही मैंने हमने बारबेक्यू किया है। चिकन को मैंने मसाला लगा लिया था क्योंकि चिकन भी थोड़ा ही था और कीमा भी थोड़ा ही बनाना था, तो जल्दी से ही तैयार दोनों चीज़ें हो गई है। मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार है, और ये देखें कितना मज़ेदार सा कबाब तैयार हुए हैं और चिकन भी बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट में 2 कबाब रखे हैं, 1 चिकन का पीस, आलू चने और चावल, क्योंकि बच्चों ने खाना 7:30 बजे खाया था और लेट जाग रहे थे, सो मैंने उनको फिर खाना तो सर्व दोबारा नहीं किया क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता फिर से इतना ज़्यादा लेट नाइट खाएँ। सो मैंने उनको इस वक्त कहा है कि आप बनाना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लो और सब बस एक गिलास ले लो तो अच्छे से रात भी गुजर जाएगी। और यहाँ पे बनाना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बन रहा है, और रात का सबसे ज़रूरी काम ये कि बर्तन जो हैं वो धो के उठा के संभाल कर फिर सोया जाए।
सो बस यहाँ पे मैं डिशवाशर में बर्तन लगा रही हूँ क्योंकि इस वक्त डिशवाशर खाली था। जिस दिन बच्चे डिशवाशर खाली कर देते हैं फिर मैं उनको लोड कर लेती हूँ। सो आज डिशवाशर खाली हो गया था तो मैंने उसमें बर्तन अब लोड करूँगी, किचन क्लीन करूँगी और बस बच्चों को भेजूँगी बेड पर। बस आज का दिन इसी तरह बिजी बिजी गुजर गया, क्लीनिंग की, खाना बनाया, बच्चों को देखा, बातें शातें की। फैमिली डे था, बच्चे मतलब कि घर में थे, सो फैमिली डे ही हो जाता है फिर वो, ताकि जब सब इकट्ठे हों तो। खैर अच्छे से गुजर गया, हर ऑफिस से दिन गुजर गया। आप भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर किया अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।